भाजी एक सेकंड के लिए पकड़ो, मैं अक्कड़ बक्कड़ कर लूँ, मैं कौन सी वाली खाऊंगा, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे। भाजी मुझे एक चीज बताओ, दिस इज एब्सोल्युटली फुल ऑफ देसी घी, राइट? एवरीथिंग इज देसी घी। ऐसा भैया रोडवेज की गौर धारावाहिक में आपका स्वागत है। आज मैं हूँ दिल्ली में, रोहिणी में, और हम यहाँ पे आए जी सरदार जी जीप वाला के पास, जिन्होंने के भाई साहब पता नहीं क्यों प्राइसेस कम कर दिए हैं। लोग प्राइसेस बढ़ाते हैं, यहाँ पे कम कर दिए हैं। इसके बाद 2-3 जगह और जाएंगे, आपको सब दिखाएंगे, सब बताएंगे। वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको आज बहुत घुमाने वाले हैं। भाजी सत श्री अकाल, क्या हाल चाल है सर? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। भाजी सबसे पहले तो ये बताओ, जीप कहाँ गई अपनी? सर जीप सर 15 साल पुरानी थी, इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। अच्छा जी, जीप के बदले अब इको आई है। इसमें स्पेस थोड़ा अच्छा मिल जाता है। जी जी जी, पहले जो जीप थी और जिप्सी थी उसकी एक जैसे बड़ी फ्लैम्बॉयंट थी, आपकी पर्सनैलिटी थी, अब ऐसा लग रहा है फैमिली वाले हो गए। हाँ जी सर, बढ़िया एकदम। ये देखो मटर पनीर है, और सर ये कोरमा स्टाइल के बनाए हुए हैं ना? काजू मटर पनीर है। काजू मटर पनीर, वाह। सोया चांप, ये है जी सोया चांप, और इसकी भी ग्रेवी सिमिलर लग रही है सर। सिमिलर एकदम अलग है। हाँ जी बिल्कुल अलग है सर। ये कड़ी है जो फिलहाल खत्म हो गई है। अच्छा, कड़ी बढ़ने ही वाली है बस। और ये देखो साथ में पकौड़े हैं और रोगन आया हुआ है। सर कढ़ी मतलब आप इमली की खटास लेते हैं? दही की नहीं सर, दही की खटास है, जो नेचुरल खटास होगी वही होगी। इसमें क्या है डोलू में? सर इसमें राजमा है जी। डोलू में राजमा है, भाई क्या बात है, गाढ़ापन चेक करो। सर जम्मू वाले है, चित्रा है सर? चित्रा है जी। एक बार और दिखाइए सर। सर प्लीज। तो ये देखो जी जम्मू, ये चित्रा राजमा है, एकदम बढ़िया गाढ़ापन है इनमें, और दाना दाना एक समान भी है। और पाजी और क्या होता है? राइस किधर है? राइस है जी, राइस इस तरफ है जी, आगे राइस। मैं उधर आता हूँ, इधर है जी राइस, और इसमें भी सोयाबीन डाल रखी है। पुलाव स्टाइल बनाए हुए हैं। हाँ जी पुलाव स्टाइल, पुलाव स्टाइल राइस बनाए हुए हैं जी। जीप वाले पाजी अब इको वाले पाजी हो गए हैं सर, बट जो ट्रेडमार्क है वो ट्रेडमार्क वही रहेगा। सरदार जी जीप वाले हैं, गाड़ी चाहे इको हो गई है, टेस्ट वही है, लोगो भी वही है, ट्रेडमार्क भी वही है। वाह जी वाह, लोगो भी वही है और ट्रेडमार्क भी वही है। पाजी कुछ प्लेट्स लगा के दिखा दो। पहले तो ये पुलाव स्टाइल राइस है, जीरा भी डाला हुआ है सर इसमें? सर बिल्कुल, जीरा भी है, सोयाबीन भी है, ये सब कुछ डाल के राइस बनाए हुए हैं, बढ़िया वाले। और पाजी कितने साल हो गए आपको ये करते हुए? सर ऑलमोस्ट 23 साल हो गए। 23 साल। और पाजी आपके, आपने भैया के साथ शुरू किया था? हाँ जी भैया के साथ, आप और आपने आपके बड़े भैया ने साथ में शुरू किया था। और पाजी ये आपके बेटे? ये हाँ जी मेरा बेटा ही कह लो। अच्छा, भतीजा है आपके? भतीजे हैं, वाह। तो ये पाजी के भतीजे हैं और भाई साथ में हेल्प कराते हैं। देखो राइस की प्लेट्स लग गई हैं, और भाई इधर मटर पनीर देखो आप, गाढ़ापन देख के आपके मुंह में पानी आ जाएगा। इसमें काजू भी है। हाँ जी पाजी, सारी चीजें खुद बनाते हो आप? हाँ जी, प्रिपरेशन खुद की है जी, सारी प्रिपरेशन पाजी की खुद की है। और भाई दिल्ली में ना अगर आपको बढ़िया राजमा चावल खाने हैं तो इससे बढ़िया दुकान नहीं है। थोड़ा ट्रैवल करके भी आना पड़े तो मेरा मानो वर्थ है आपको। थाली में कढ़ी भी आ जाएगी, ये एकदम ज़बरदस्त है, बहुत ही बढ़िया। और पाजी अगर किसी को एक्स्ट्रा लेना हो तो ग्रेवी मिल जाती है? सर बिल्कुल, हम रिफिल कर देते हैं, बट सिंगल पर्सन के लिए। और पाजी रोटी भी है, तवा रोटी भी होती है, पराठा भी होता है जी, वो भी दिखा दीजिए एक बार। ये प्लेट कितने की है? सर 50 रुपीज़ की। ये 50 रुपये की प्लेट है जी, और 70 की थी, टमाटर महंगे हो गए, हमने उल्टा सस्ता कर दिया। वो क्यों? अपना हिसाब है। क्या बात है भाजी, तो टमाटर सस्ते होंगे, आप महंगा तो नहीं कर दोगे? नहीं, एक्चुअली क्या था, मेरे पास एक लड़का आया जी, वो कहता था कि भैया मेरा ना, मैं रोज निकल के आता हूँ, मेरा खाने का मन करता है, बट मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अच्छा, मेरे को डेली खाने होते हैं जी। तो उसकी बात कहीं ना कहीं मेरे मन पे लगी, तो मैंने 20 रुपये उसके लिए कम कर दिया। लोग महंगा कर रहे हैं, आपने सस्ता कर दिया। सर कोई बात नहीं, पापा जी की कृपा है। वाह, ये देखो राजमा राइस की प्लेट ये 50 की है, और मटर पनीर की 100 रुपीज़ की। 100 रुपीज़ वाली ये प्लेट है। और पाजी एक बार लोकेशन एक्जैक्ट बता दो, यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। सर सेक्टर 8 का पेट्रोल पंप है जी, वो पेट्रोल पंप है जी, और ये हनुमान मंदिर पार्क है। सेक्टर 8 का पेट्रोल पंप हनुमान मंदिर के पार्क के एकदम बाहर। और पाजी ये क्या चीज है? ये पराठे हैं देसी घी के, साथ में पापड़ होता है। देसी घी के पराठे, और सर ये पापड़ तो कॉकटेल लग रहे हैं। हाँ जी भाई साहब, ये लग रही है हमारी थाली। सबसे पहले तो प्याज चटनी, और साथ में आ गया जी अचार, ये आ गया राइस। और जी राइस का अरोमा बड़ा बहुत जबरदस्त है, इसमें तेज पत्ता भी डाला हुआ है आपने, है ना? ये इधर से आ गई जी ये चाप, ये चाप ग्रेवी है सर, क्या नाम है इसका? और भाई ये डोलू में से आ गए राजमा, और इस तरफ से भाई साहब ये आ गया मटर पनीर। ये है जी 140 रुपीज़ की थाली। भाई साहब सबसे पहला स्वाद बटांदरा आज का हमारा है जी सरदार जी जीप वालों की ये स्पेशल थाली। 140 रुपीज़ में चाप, राजमा, और साथ में पनीर, मटर पनीर, और ये पुलाव स्टाइल जो राइस बनाते हैं भाजी, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया, खड़े मसालों वाले। और भाई ये चीज़ जो है ना, ये मेरी फेवरेट है, क्योंकि इसको खाना बड़ा कन्वीनियंट है, आपको पापड़ तोड़ना नहीं पड़ता, और आपके जो फ्रेंड्स हैं या अगर आप किसी के साथ आते हो तो आपको लड़ना नहीं पड़ता। यहाँ पे हम स्वाद बटांदरा करते हैं। सबसे पहले तो ये चाप की ग्रेवी का ये लगाते हैं जी, ग्रेवी और राइस का कॉम्बो। सरदार जी की जो ग्रेवीज है ना, बहुत ज़्यादा मशहूर है। उनका कारण है भुनाई, अच्छे से भून के जो सामान बनाते हैं, टमाटर प्याज एकदम भुनाई करके, मसाले को एकदम रगड़ के। एक बाइट जो है राजमा राइस की भी हो जाए भाई साहब। राजमा भाई साहब, हियर्स बाइट ऑफ द राजमा। भाई साहब ऐसी चीज़ें ना घर पे तो छोड़ो, रेस्टोरेंट में भी नहीं मिलती। जो ये सरदार जी बनाते हैं ना, ये मटर पनीर है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। जो पनीर है उसको फ्राई करके लाते हैं पनीर के पीसेस को, और यहाँ पे ग्रेवी में डालते रहते हैं मटर के साथ। हियर्स बाइट। भाई साहब हैंड्स डाउन वन ऑफ द बेस्ट लंच प्लेसेस इन दिल्ली। अगर आप दिल्ली में आते हो और आपको लंच करना है तो रोहिणी के साइड अगर आप आते हो तो सरदार जी जीप वाला पे आप आ जाओ। लंच बहुत बढ़िया मिलेगा, प्राइसेस बहुत ही सही है। 140 रुपीज़ में आपको थाली मिल रही है। और अगर आप एक हो, अगर आप सिंगल पर्सन हो तो भाई आपको अनलिमिटेड ड्रिपल्स मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पाजी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो हो गया, मुझे ये तो बताओ इस थाली में देते क्या हो? अब हम आए जी अनलिमिटेड पाजी के पास रोहिणी में। कहते हैं कि रोहिणी आए और अनलिमिटेड पाजी के पास ना आए तो आपका रोहिणी आना जो है वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे इन्होंने एक 700 रुपए वाली थाली शुरू करी है, और भाई साहब कह रहे हैं 700 रुपए वाली थाली में भी एक चीज जो है वो अनलिमिटेड दे रहे हैं। तो आओ देखते हैं कि क्या दे रहे हैं। ऐसा पाजी सत श्री अकाल। पाजी कहते हैं रोहिणी आए और सरदार जी के पास ना आए तो रोहिणी आना आपका जो है ना सफल है। तो मुझे बताओ ये कौन कौन सी थाली है? ये तो मैंने सुना 80 रुपए की और ये 700 रुपए की है। पाजी इतना डिफरेंस कैसे आ गया? डिफरेंस इतना आ गया, ये है सिंगल पर्सन के लिए जी, और 80 रुपीज में आपको रक्षाबंधन ऑफर में स्पेशल खिला रहे हैं। दाल मखनी शाही पनीर रहता और 2 नान जी। अनलिमिटेड नहीं, वन टाइम सर। ये लिमिटेड है, अनलिमिटेड नहीं है, पर इसमें 2 चीजें हैं और साथ में रायता। फर्क ये है कि अगर आपको जो है इसका प्राइसिंग ज्यादा है, लेकिन रक्षाबंधन ऑफर निकाला मात्र 80 रुपए में। अच्छा 80 रुपए में सिर्फ हरिया के परिवार के लिए, बिल्कुल बहुत बढ़िया। और पाजी ये 700 रुपए की है। 700 रुपए की है, लग्जरी थाली है, जिसमें आपको फुल दाल मखनी, फुल शाही पनीर, फुल मिक्स वेज, फुल ग्रेवी चाप। अच्छा, चाहे 8 कुलचे ले लो साथ में, चाहे 5 बटर नान ले लो। ओ भाई साहब, 8 कुलचे या 5 बटर नान, ये भी वन टाइम सर्विंग है। आप चाहे इसको लेके पैक करवा के ले जाओ जी, चाहे आप यहाँ पे खा लो जी, चाहे 4 बंदे खा लो, ये भी वन टाइम सर्विंग रहती है। और पाजी इन दोनों थालियों में एक चीज मैंने सुना अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड है ना जी, इसमें एनर्जी वाले कैप्सूल, एनर्जी वाले कैप्सूल। दोनों थालियां पकड़ रखी ना, तो मैं आपको उठा के दिखाता हूं स्पेशल। पाजी मैं आपके लिए मैं कर देता हूं, बिल्कुल। ये पाजी अनलिमिटेड है मेरे से। ये अनलिमिटेड है। ये किसके लिए सर? जो लोग गलत बातें बोलते हैं जी, बरसाते हैं, हाँ, उनके लिए। और स्पेशल उनको पता हो कि कहां से लेनी है। क्या बात है पाजी। और इसके साथ नींबू, नींबू भी मांगेंगे तो दे देंगे, वो भी मांगेंगे, वो भी ले लेंगे, फिर कहां से लेना है। डन पाजी। और पाजी लोकेशन बताओ अपनी। रोहिणी सेक्टर 8 दिल्ली, पॉकेट ईसोल/210, सेक्टर 7 और 8 का डिवाइडिंग रोड पड़ता है जी, अपना बाटा शोरूम के बिल्कुल साथ। और पाजी टाइमिंग्स आपकी? दोपहर को 1 बजे आउटलेट खुलता है और तभी से मिलना चालू हो जाएगा जी। और रात को अपना 11:15 बजे तक आउटलेट खुलता है। लेकिन जो ये नान वाला ऑफर है जी, ठीक है जी, ये शाम को 5 से 6 1 घंटा बंद रहता है। पाजी 1 सेकंड के लिए पकड़ो, मैं अक्कड़ बक्कड़ कर लूँ। मैं कौन सी वाली खाऊंगा? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो 80 90 पूरे 100। पाजी अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो तो हो गया, मुझे ये तो बताओ इस थाली में देते क्या हो? कहते हैं जी इसमें सबसे पहले दाल मखनी आएगी जी। ये आगे जी दाल मखनी, और बहुत ही सुंदर लग रही है पाजी। इसमें भी काजू मगज डालते हो? नहीं, इसमें काजू मगज तो नहीं, इसमें ग्रेवी का तड़का लगता है जी, मक्खन डलता है, क्रीम डलती है जी। ये आ गया जी शाही पनीर। ये आ गया जी साथ में शाही पनीर। ये आ गया जी अपना बूंदी रायता। ये इधर से आ गया जी ये बूंदी रायता। अब ये आ गया जी इसमें चटनी और प्याज। इसके साथ ही आ गया जी ये चटनी और प्याज। और ये आ गया जी इसमें बटर नान। और भाई साथ में इसके बटर नान कितने बाजी? 2 बटर नान। 2 बटर नान मात्र 80 रुपए में। एप्पल के व्यूवर्स के लिए स्पेशली। थैंक यू सो मच बाजी। मुझे एक चीज बताओ कि भाइयों के लिए कि बहनों के लिए? भाई आ जाए, बहन आ जाए, रक्षाबंधन का त्योहार तो ये बस आपस में मिलजुल के रहने का प्यार का त्योहार है। वाह वाह वाह। तो पाजी सबके पाजी है और पाजी वाला कर्तव्य निभा रहे हैं। बिल्कुल जी, हमारा ऐसा गिफ्ट बनता है जी, सभी भाइयों बहनों को जी देना। तो हमने एक थाली निकाल दी मात्र 80 रुपए में। वाह जी वाह। तो ये थाली है भाई साहब, एंजॉय करते हैं। पाजी इसमें तंदूरी रोटी भी मिल जाएगी? अगर कोई नाम नहीं लेता तो उसको 2 रोटी भी दे देंगे। परफेक्ट डन पाजी। भाई साहब ये है आज का हमारा स्वाद बटांदरा। पाजी तो मुझे लग्जरी थाली खिलाने वाले थे, मैंने कहा भाई लग्जरी थाली हमारे से नहीं खाई जाएगी, हम आम इंसान है। लग्जरी वाले कोई और आ जाएंगे 700-800 रुपए थाली खाने, वीडियो बनाने। ये है जी आज का हमारा स्वाद बटांदरा। ये है जी 80 रुपए वाली रक्षाबंधन स्पेशल थाली, और इसके साथ ये आ गया जी पनीर रोटी के साथ एकदम बढ़िया तंदूरी रोटी है जी। ये है जी शाही पनीर, आम लोगों के लिए शाही पनीर। ये गोश्त फ्लेवर आ रहा है कसूरी मेथी का। टमाटर और कसूरी मेथी का जब कॉम्बिनेशन हो जाता है ना भाई साहब, एक अलग ही माहौल बन जाता है। वही स्वाद इसमें है। दाल भी ट्राई कर ही लेते हैं, क्योंकि पाजी की दाल के ना बहुत लोग दीवाने हैं। तो हियर इज अ स्पून ऑफ द दाल। ऐसा पूरी मेहनत करी हुई है सब्जियों में। ऐसा नहीं है कि अनलिमिटेड है और ये मसाले कम करके देंगे या कुछ ऐसा। बढ़िया मेहनत करके सब्जियां बनाते हैं, जबरदस्त पकाई है और जबरदस्त यहाँ पे स्वाद है। अगर आपने यहाँ पे ऑलरेडी खाया हो तो कमेंट करके जरूर बताना, और अगर नहीं खाया तो भाई साहब यहाँ पे आ जाओ। हम आगे चलते हैं। कैसे है जी? रिकग्नाइज मी? क्या हैरी? हैरी कैसे हो? बस बढ़िया। गौतम गंभीर एंड ऋतिक रोशन। यू वेंट वायरल ब्रो, सुपर वायरल। अरे नहीं, इट्स बिकॉज ऑफ यू। तो एक प्लेट दे दीजिए सर। दैट वीडियो वाज लव्ड बाय सो मेनी पीपल। हाँ, अभी यहाँ पे हम आए हैं जी नंद छोले भटूरे वाला पे, जहाँ पे दिल्ली में सदर बाजार में जबरदस्त देसी घी के छोले भटूरे मिलते हैं। और भाई प्रेपरेशन देखो और यहाँ पे लोगों का प्यार देखो। अभी 3:30 हो रहे हैं बट आपको लगेगा लोग नाश्ता करने आए यहाँ पे। भाजी मुझे एक चीज बताओ, दिस इज एब्सोल्युटली फुल ऑफ देसी घी राइट? एवरीथिंग इज देसी घी। तो ये जो प्लेट है पूरी देसी घी की है जी। भटूरे, छोले, एवरीथिंग इज देसी घी। और इसके साथ जो अचार है, आमला और हरी मिर्च है जी, जो हमारा जो छोला होता है देसी। वाह सुपर। एंड दिस इज फॉर 120। एक बार लोकेशन बता दो सर। 829 सदर बाजार, पान मंडी, नियर रोडवे मार्केट। एंड टाइमिंग्स आपकी? मॉर्निंग है 11 o'clock और एंडिंग में 5:50। परफेक्ट, थैंक यू सो मच ब्रो। आई ट्राई इट नाउ फाइनली, पिछली बार ट्राई नहीं किया था। थैंक यू। ये जी आज का हमारा स्वाद बटांदरा, ये है जी नंद दी हट्टी के स्पेशल छोले भटूरे। और यहाँ पे जो भटूरे है ना भाई साहब, इनकी बातचीत ही अलग है। एक बाइट बनाते हैं यहाँ से बढ़िया सी। इसमें ये लेते हैं जी छोले। हियर इज अ जबरदस्त सी बाइट। हियर इज अ बाइट। भाई जो सुगंध है ना देसी घी की, सबसे पहले तो आपका दिल वो जीत लेती है। और यहाँ पे वाकई जो स्वाद है ना, इतनी जो भीड़ लगी हुई है ये डिजर्व करते हैं यार। इतना रश, इतना जो भीड़ है यहाँ पे, ये लोग डिजर्व करते हैं। बहुत ज़बरदस्त प्रेपरेशन है यार। मुझे लग रहा है खड़े खड़े मैं 3-4 बाइट तो ऐसे ही खा जाऊँगा, क्योंकि बहुत स्वाद है, मज़ेदार है, ज़बरदस्त है। आपको लोकेशन मालूम है, टाइमिंग्स मालूम है, यहाँ पे आओ एक बार ट्राई करो। अगर आपको अच्छे ना लगे तो भाई साहब वीडियो को अनलाइक कर देना, फिलहाल के लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और हम आपको मैसेज ले रहे हो, तब तक के लिए जिंदाबाद एंड जोरदार साडा पंजाब, नारे साडा हिंदुस्तान, जय हिंद। और अगर आप देखना चाहते हो ऐसी एक ज़बरदस्त वीडियो अबाउट अनदर अमेजिंग प्लेस सर्विंग अमेजिंग ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर, तो भाई ये देखो